गजानन महाराज भारत के सुप्रसिद्ध संतों में से एक संत है। संत गजानन महाराज संस्थान विदर्भ क्षेत्र में सबसे बड़ा मंदिर ट्रस्ट है। गजानन महाराज को सबसे पहले शेगांव में बंकटलाल ने देखा था। महाराज की लीलाएं देखकर बंकटलाल गजानन महाराज के भक्त बन गए। उस समय शेगांव एक छोटा सा गांव था, जो आज एक बड़ा तीर्थ क्षेत्र बन चुका है। महाराष्ट्र के कोने कोने से और भारत भर से हजारों श्रद्धालु गजानन महाराज के दर्शन करने शेगांव आते हैं। आइए जानते हैं संत श्री गजानन महाराज का इतिहास। जिस समय श्री गजानन महाराज को पहली बार देखा गया, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से वो दिन 23 फरवरी 1878 का दिन था और हिंदू पंचांग के अनुसार वो तिथि माघ महीने की कृष्ण पक्ष की सप्तमी थी। तिथि अनुसार यही दिन गजानन महाराज प्रगट दिन के रूप में हर साल धूमधाम से श्री क्षेत्र शेगांव में मनाया जाता है। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के छोटे से गांव शेगांव में परम पूज्य श्री गजानन महाराज रहते थे, जो खारे पानी को भी मीठा बना देते थे, बीमार व्यक्ति को स्वस्थ कर देते थे, गरीब लोगों की झोली खुशियों से भर देते थे, दुखियों के सभी दुख हर लेते थे और जिन माता पिता को संतान नहीं होती थी उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद भी देते थे। हम बात कर रहे हैं शेगांव के संत श्री गजानन महाराज की। इनको भगवान के स्वरूप में माना जाता है। हालांकि आज गजानन महाराज लोगों के बीच में नहीं है, परंतु उनके भक्त आज भी उनके चमत्कार को महसूस करते हैं और मानते हैं कि उनके महाराज श्री गजानन उन लोगों के बीच में है। शेगांव के लोग कहते हैं कि गजानन महाराज के छूने मात्र से लोगों के ऐसे भयानक रोग खत्म हो जाते थे जिसका कोई भी इलाज नहीं था। आज भी उनके आश्रम में लाखों की भीड़ भोजन रूपी प्रसाद के लिए जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस प्रसाद को सच्चे मन से ग्रहण करते हैं उनके दुख चंद मिनटों में खत्म हो जाते हैं। आज हम आपको उनकी कहानी बताएंगे और उनके कुछ ऐसे चमत्कार भी बताएंगे जिस पर विश्वास करने के लिए आपको एक बार शेगांव जरूर जाना चाहिए। संत गजानन महाराज भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म कब हुआ किसी को ज्ञात नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि फरवरी माह में सन 1878 में वो शेगांव में प्रकट हुए थे। दासगुरु महाराज ने गजानन महाराज पर 21 अध्याय वाली श्री गजानन महाराज विजय ग्रंथ नामक मराठी किताब भी लिखी है, जिसे हिंदू पवित्र ग्रंथ के रूप में जानते हैं और रोजाना कई लोग इस ग्रंथ का पाठ मंदिर में या अपने घरों में करते हैं, जिसे पारायण भी कहा जाता है। कहा जाता है कि गजानन महाराज चमत्कारी महापुरुष थे। उनके कई चमत्कारों को भक्तों ने प्रत्यक्ष देखा है। एक बार महाराज आंगन कोट में भ्रमण कर रहे थे। तेज गर्मी के कारण उन्हें प्यास लगी। उन्होंने वहां से गुजर रहे भास्कर पाटिल से पानी मांगा, लेकिन उसने पानी देने से मना कर दिया। तभी महाराज को वहां कुआं दिखा जो 12 सालों से सूखा पड़ा था। महाराज कुएं के पास जाकर बैठ गए और ईश्वर का जाप करने लगे। जाप के तप से कुएं में पानी सा भर गया। इस तरह बहुत से चमत्कार उनके भक्तों के बीच प्रसिद्ध है। शेगांव के गजानन महाराज नाथ संप्रदाय के बहुत ही पहुँचे हुए दिगंबर संत थे। समाधि के करीब एक माह पूर्व उन्होंने पंढरपुर में श्री विट्ठल के समक्ष समाधि लेने का निर्णय लिया। समाधि लेने का विचार जब उन्होंने भक्तों को बताया तो उनके भक्तों में उदासी छा गई, लेकिन उन्होंने सभी को समझाया और समाधि का दिन नियुक्त किया। इस अनुसार उन्होंने 8 सितंबर सन 1910 को शेगांव में समाधि ली और 8 सितंबर गुरुवार चतुर्थी का दिन था, जिसके बाद गजानन महाराज के नाम से एक मंदिर बनाया गया और आज यह मंदिर बड़ा प्रतिष्ठान बन गया है। यहाँ दूर दूर से आए श्रद्धालुओं की रहने खाने पीने की सभी व्यवस्था गजानन महाराज संस्थान द्वारा की जाती है। गुरुवार दिन गजानन महाराज का दिन माना जाता है, इसलिए गुरुवार को गजानन महाराज के भक्त उनकी विशेष पूजा कर पारायण पढ़ते हैं और गण गण गणात बोते इस पवित्र मंत्र का जप करते हैं और गजानन महाराज अपने सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। गजानन महाराज प्रगट दिन शेगांव में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ महाराज की पालकी निकालकर शहर में भ्रमण किया जाता है। हजारों लाखों श्रद्धालु गजानन महाराज के दर्शन करने शेगांव आते हैं और महाराज का आशीर्वाद लेते हैं। ये थी संत श्री गजानन महाराज की महिमा। Oh, my God.